अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम मिस सैनब, योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर लेक्चर ऑन यूनिट 10, प्रेशर एंड मोमेंट्स। डेफिनेशंस। प्रेशर, प्रेशर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ सर्टेन एरिया। अगर आप वर्ड प्रेशर देखें तो ये प्रेस से ड्राइव हुआ है। इट्स मीन के आपके ऊपर जो भी स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है ये प्रेस हो रहा है। इट्स मीन के प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप इसकी एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने पाम्स के दरमियान में एक पेंसिल को प्रेस कर रहे हैं, उसके प्रेस करने से अगर आप देखें तो पेंसिल की दो साइड्स होती हैं, एक शार्प साइड होती है और एक ब्लंट साइड होती है। आपको जो उनसे पेन है वो शार्प साइड पे फील होगी, क्योंकि जो अगर प्रेशर तब ज़्यादा हाई होता है जब सरफेस एरिया स्मॉल होता है, और अगर सरफेस एरिया लार्ज हो तो प्रेशर लो होता है। अगर आप देखें तो इन दोनों साइड्स में से स्मॉल एरिया कौन सा है, शार्प साइड का। शार्प साइड पर प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो प्रेशर है इट्स मीन इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स। जहाँ पे ज़्यादा फोर्स इफेक्टिव होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। मायरिंग प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। मोमेंट, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड अ मोमेंट। टर्निंग इफेक्ट, जब किसी फोर्स से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसे हम मोमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नीचे देखें, एक स्पिनर एक चीज़ को रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसकी रोटेशन की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम मोमेंट कहते हैं। मोमेंट कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग दिस इक्वेशन। मोमेंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट पिवट। अब जो उनसे मोमेंट है उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक फोर्स होती है और एक डिस्टेंस होता है। ये कैसे मेजर किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक डोर क्लोज है, जब आप उसको ओपन करते हो तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब क्या है कि फोर्स अप्लाई होने से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, और डिस्टेंस क्या है, जहाँ से डोर क्लोज से होने तक जहाँ से डोर ओपन हुआ है, तो इसके दरमियान का डिस्टेंस और जो फोर्स अप्लाई करने से जो डोर की टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, उन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मोमेंट है वो कैलकुलेट होती है। As we already discussed this strange short question of this chapter in the class, now I'm starting from question 17. Explain why a person who sits on a drawing pins hurt himself, yet someone lying on a bed of nails does not. Answer: the overall surface area is large, so the pressure is low. The nails does not penetrate his skin. इस क्वेश्चन में यह है कि अगर कोई भी पर्सन ड्राइंग पिन पे बैठता है तो उसकी स्किन हर्ट होती है, जबकि अगर कोई बेड ऑफ नेल्स पे लेटता है तो उसकी स्किन हर्ट नहीं होती। वो कैसे है कि अगर आप देखें, अगर वो ड्राइंग पिन के ऊपर बैठ रहा है तो वहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, स्मॉल है, इसकी वजह से जो प्रेशर है वो लार्ज होगा। जबकि दूसरा अगर आप देखें बेड ऑफ नेल्स, यहाँ पर क्या है, सर्फेस एरिया लार्ज है, इसकी वजह से प्रेशर क्या है, लो है। दैट्स व्हाई जो उसकी स्किन है वो पिर्स नहीं होगी। क्वेश्चन 18, In the diagram alongside the two syringe and the tubes connected them are filled with a fluid. Calculate the pressure on the piston of syringe. इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है। अगर आप साइड पे डायग्राम पे देखें तो हमारे पास फोर्स कितनी गिवन है, 6 न्यूटन, और एरिया कितना गिवन है, 2 cm² का। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स की जगह क्या आ गया, 6 न्यूटन, और एरिया की जगह क्या आ गया, 2 cm² आ गया। अब जो हमने देखा 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे, तो कटिंग होने से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 पास्कल। जो पास्कल है वो प्रेशर का यूनिट होता है। क्वेश्चन 19, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेबल एंड एन अनस्टेबल ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि स्टेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स में क्या फ़र्क है। सम थिंग्स फॉल ओवर ईजिली वैन पुश, दीज आर अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स। जिन चीज़ों को यानी कि पुश करने से इजीली गिराया जा सकता है या वो गिर जाती हैं उन्हें हम अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अदर आर वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉपल, दीज आर कॉल्ड स्टेबल ऑब्जेक्ट्स। और जिनको टॉपल करना बहुत मुश्किल होता है उन्हें हम स्टेबल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन वाई थिंग्स फॉल्स ओवर ईजिली। चीज़ें ईजिली कैसे गिर जाती हैं, द ऑब्जेक्ट स्टिल्स देन फॉल ओवर ईजिली। यानी कि जो ऑब्जेक्ट स्टिल्स होते हैं यानी कि जो लड़खड़ा जाते हैं वो ईजिली गिर जाते हैं। क्वेश्चन 21, एक्सप्लेन वाई अ बॉल इज़ ऑलवेज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जो बॉल होता है उसका जो यानी कि बैलेंस होता है वो हमेशा न्यूट्रल क्यों होता है। आंसर, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज स्टेज ओवर इट्स स्पेस। क्योंकि जो बॉल होती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसकी बेस पे लाई करता है, यानी कि अगर बॉल को आप जितना मर्जी रोटेट कर लो उसका सेंटर पॉइंट जो है वो चेंज नहीं होता। इस वजह से जो इसका बैलेंस है हमेशा न्यूट्रल ही रहता है।